हमारे घर में आज चोर आया था, मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर। मैं दुकान पे गया था तो फिर और बंदे दूसरा का घर में चुरा के लेके पता आया। नहीं क्या चोरी करके लेके गया। देखा कि वहां से कोई जम करके आया एक लड़का, वो भी एक काला सा बैग लेके। तो फिर और बैग वो में आंटी पेपर ने है बोला था क्या लेके जा रहे हो, और उसने बोला रोज। उसने झूठ क्या बोला, उसने बोला कि वो फूल लेने आया है फूल। और फिर जब वो दुकान वाले अंकल ने बोला कि क्या है दिखाओ दिखाओ करके, वो इतना तेजी से भागा। फिर मुझे तब अच्छी लग रही हो खत्म चॉकलेट चॉकलेट खत्म, और चॉकलेट की डब्बे को टोपी बना लिया और ये तुम्हारा पेन है ना और ये फ्री में मिला इसके अंदर। अच्छा मैं दुकान पे गया था तो इसने ये लिया, ये 45 का था तो 5 रुपीज का चेंज नहीं था दुकान वाले अंकल के पास। तो हमने चॉकलेट की बगैर नहीं, चॉकलेट की बजाय पेन लिया, मतलब चॉकलेट तो खाने से खत्म हो जाएगा, वैसे भी हमारे घर में है तो हमने पेन ले लिया ताकि वो प्रैक्टिस कर सके अच्छे से, है ना। इसको अभी पेंसिल लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी से वो शुरुआत करेगा ऐसे रफ कॉपी पर। गुड मंखा वीडियो नो नो हेलो हेलो बताबो ना गुड गर्ल का पढ़ी पाख्या कबंग मा पढ़ी पढ़ा मंखा ना लव के फोन तय अलग सिस्टम तय अलग सिस्टम तय बती बती रंग नंग लव खाने में तय और ऐसे और ऐसे तो खाने में खाओ लव अंखाई करो गाइस आप लोगों को पता है हमने आज बहुत ज्यादा शरारती की, मैं और मेरे बहन ने, है ना। बहुत खेला हमने, बहुत मस्ती किया, बहुत और पढ़ाई भी किया, और पढ़ाई भी किया। देखा अच्छे से पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा खेलने को मिलता है ना। आज हमारे घर में चोर आया था। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above it was so high, like a diamond in the sky. पसीना आ रहा है ना, क्योंकि हमने फैन नहीं दिया था, अभी अभी ऑन किया। हम लोग गर्मी के मारे ऐसे ही बैठ रही थी, भूल गया कि फैन भी देना होता है, फैन देने से गर्मी चाहती है ना, ये भूल गया था हम। ईटिंग टाइम, ये देखो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी दिखाओ। अब हम खाएंगे, कैसा है? अच्छा। मैं भी खाता है। जल्दी लाओ, दो ओ विद्यान। ये मेरे चॉकलेट का कवर जो है डस्टबिन में फेंकने के लिए तैयार, मेरे हाथ से लेकर और जो देखो फेंक के फटाफट आ भी गया। दूसरा लाया तू, दिस इज कोकोनट चॉकलेट। ये जो है चॉकलेट
चोको का चॉकलेट। आज बहुत मजा आया ना, हाँ। हमने पढ़ाई की और पार्लर पार्लर खेला और क्या खेला, और हेयर कटिंग खेला और चिप्स खाया। और हाँ, एक बात बोलनी थी, हमारे घर में आज चोर आया था, मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर। मैं दुकान पे गया था तो फिर और बंदर दूसरा का घर में चुरा के लेके आया, पता नहीं क्या चोरी करके लेके गया। हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली रहता है, बहुत बड़ा घर है इसलिए। तो फिर मैं दुकान पे गया था, हमारे घर के जस्ट पास में ही है दुकान, अपोजिट साइड में हमारे घर के। तो वहाँ पे एक आंटी बैठा हुआ था, वो दुकान की मालिक ही होगा शायद। तो उसने देखा कि वॉल से कोई जंप करके आया, एक लड़का, वो भी एक काला सा बैग लेके। तो फिर बोला था क्या लेके जा रहे हो, और उसने बोला रोज, उसने झूठ क्या बोला, उसने बोला कि वो फूल लेने आया है, फूल। और फिर जब वो दुकान वाले अंकल ने बोला कि क्या है, दिखाओ दिखाओ करके, वो इतना तेजी से भागा। फिर मुझे तब पता ही नहीं था कि हमारे घर में दुकान के दुकान पे चीजें खरीद रहा था। तो फिर क्या हुआ, बाद में मैंने पूछा कि आंटी कहाँ से निकला, कौन से घर से, तो आंटी ने बताया कि यहाँ घर के इस घर से। तो ये घर तो हमारा है। तो फिर मैं थोड़ा चौंक गया कि हमारा सामान वगैरह चोरी हुआ कि नहीं। अभी मैं मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन तब बहुत सीरियस हो गया था मामला, है ना। बहुत से लोग भी निकल के आया, इस घर से चोरी हुआ था। पता नहीं, हमें पता भी नहीं कि क्या लेके गए, क्योंकि बाहर भी बहुत ज्यादा सामान है घर की, और सारा लोग हमारा ऊपर वाला और मालिक भी यही में था। और ऊपर से हमारे पड़ोसी ने तो किचन भी लॉक करके नहीं रखा था, उसका उसका फिर भी कुछ भी चोरी नहीं हुआ, पता नहीं क्या लेके गया। हाँ, मैंने पीछे से देखा था भागते हुए, जब मैं दुकान पे थी तब। उसने ऑरेंज कलर का टी शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट पहना था, ब्लैक कलर वाला। एग्जैक्टली। और अभी हम लोग टाइम पास कर लिए कोई के साथ। हमने आज फिंगर खेलते हुए पढ़ाई की ना, मजा आया ना। ये फिंगर वाला खेल के पढ़ाई करने से इसके दिमाग में जल्दी घुसता है और ये जल्दी से याद आ जाता है इसको। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी। बाय 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 बाय।